वाली बहमनी जब बादशाह बने उनकी उम्र 51 साल थी। गुलबर्गे में फिरोज ताकत के ऊपर इनकी उम्र 51 साल थी। इनके भाई ने ताकत को बिठाकर बैत फरमाने के बाद 6 साल 3 महीने हुकूमत गुलबर्गे में करे और उसी के बाद आजा बंदे सरकार गुजरात बिदर रवाना हो जाओ बोले 1428 बिदर को रवाना आ गए इन्होंने अपने अंडर में ले लिए। लेने के बाद 3 साल गुजर गए शहर बिदर में तो पूरा बरगाल आ गया। आने के बाद बोले लोग ये कैसे बादशाह है, इनकी हुकूमत जरा गलत दिखी बोले क्या बोले इन्होंने अपना जो फौज खाने का अनाज होता गोदाम वो गोदाम खोल के हर गाँव में तकसीम कर दिया उन्होंने। इसको बहुत मजहब नहीं बोले कोई उन्होंने मजहब बोले दो एक औरत एक मर्द बोले उन्होंने बाकी पूरा खजाना खोल के हर गाँव में तकसीम कर दिए। उसके बाद भी कुछ ना उसके बाद क्या करें अपनी फौज को और अपने पूरे अवाम को जमा करके कोहिनूर पहाड़ है चौकनी पीछे पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर पूरे हर मुल्क हर मजहब के भाई लोग को अलग अलग करें देखो भी आप जो प्रार्थना कर रहे हैं अल्लाह से भगवान से ईश्वर को प्रार्थना करो आप लोग मुसलमान लोग को नमाज अदा करो अदा कर लें। उसके बाद जब हजरत जब वजू करके नमाज पढ़ने लगे तो आसमान के ऊपर अबर के ढेला के जो वजह पानी पड़ने लगे तो आसमान से बारिश शुरू हो गई। उसी तरह से हम लोग सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी हम लोग बोलते हैं और हिंदू मजहब के लोग अल्लामा परवू बोलते हैं इनको इनके लिए। इनका फादों के 595 साल होगा। हर साल में 2 मरतबा इनका उर्स होता है, एक रजत की 29 तारीख को होता है, एक होली के बाद चांद की 12 तारीख होता है। उसी चांद की 12 तारीख को होली के 12 तारीख से चांद की 20 तारीख को नगर स्वामी यहाँ पर आती आने के बाद सारे शाम के 6:30 बजे चांद की 20 तारीख को आकर यहाँ पर ढेली धो डाल के संदल लगा के ऊँच डाल के फाजा बढ़ा उनके अंदर संघ फूकते हैं। इसी तरह मछली मगरी सुना जुलूम को इसी तरह करती और बाद में बड़ी बिल्कुल छोटी बिल जाती बाद में बड़ी बिल बनाती बाद में पूरे परिवार का 5 दिन इसी तरह करती कि ये ऐसा मजहब बताए बादशाह साहब इन्हों गुजरने के बाद भी आज भी भाई पूरे मिलकर करते यहाँ पर कि लोग वली लोग इसी तरह वली बनते हैं अपने जिस्म को कपड़े सहने पहने लोग और अपना जो खाना है गरीबों को खिलाते गए लोग ये वो कपड़े सीधे साधे दखन के बादशाह दे चाहे तो सोने के मकान में रह सकते लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किए पूरे मजहब को और पूरे दुनिया के लोगों को देखे लोग तो इसी तरह आज जन्नत में सो गए लोग 595 सालों का उनका ध्यान सो के जन्नत में आराम फरमा रहे माँ। और दो बात ये बोला सर मैं एक मिनट ये बता के काफी बोलता हूँ उसको देख लिया एक बार में ये भी लेना था ना। और मैंने इन्हीं फैमिली के 12वीं नस्ल का हूँ मैं ये पूरा हजरत की पूरी हिस्ट्री है नीचे नाम मेरा यहाँ पर खलील साहब अहमद नाम मेरा हम उन्हीं पीढ़ी के हैं। हमारे बाप दादा को इतना चालक नहीं थे उनको मालूम नहीं था अनपढ़ लोग थे ऑफिस में जाके डॉक्टर सर मुझे होश आने के बाद सर मैंने हर जगह डरा नहीं हर जगह अपने जो काम करना करता सर और हमारे आर्टिकल और पेपर में आते सरकार बुलाइए उस दौर के तलवार पैसे वगैरह पूरे मकान में रखा सरकार मैंने गवर्नमेंट लगी तो मैं गवर्नमेंट को दिया नहीं सरकार अगर मैं दिया तो मेरी पहचान हो जाती सरकार बोल के मैं गवर्नमेंट को नहीं दिया सर ये पूरे पेपर में आर्टिकल पर आता सर हमारा हिंदू कन्नड़ जितने पर्यावरण विजयकरण वाला उर्दू में जितने भी सब दक्कन क्रॉनिकल और दक्कन के धलाती सब में आता सर हमारा।